हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिव कलाकार। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स के बारे में तो बहुत बात करी है, कुछ 5-6 वीडियो भी बनाई हैं, आपको समझा भी दिया ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कैसे होती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते किस पर है, डिज़ाइन किस पर बनाएं, कैसे बनाएं, कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें और कहाँ से डाउनलोड करें। तो वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मगर कुछ मेन सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, तो उन्हीं कॉमन और पॉपुलर सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हो। अलग अलग डिज़ाइन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अब आप कैसे पता लगाएं कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है किस ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, मैं बताता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मेन 6 सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी इन डिज़ाइन, अडोबी आफ्टर इफेक्ट, अडोबी लाइट रूम और कोरोड्रो। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी स्पेशलिटी है, अपने स्पेशल टूल हैं। हर एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बनाए। फोटोशॉप वर्ल्ड का सबसे फेमस एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग फील्ड में। अगर आप रास्टर ग्राफिक के ऊपर वर्क कर रहे हो तो फोटोशॉप से अच्छा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपको रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक में कन्फ्यूजन है तो मेरी लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आई बटन में है। तो अडोब फोटोशॉप इमेज के साथ वर्क करने के लिए बना है, फोटो एडिटिंग, क्रॉपिंग, मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों के लिए। फोटोशॉप के अंदर हम इमेज रिटचिंग कर सकते हैं, इमेज इन्हांसमेंट कर सकते हैं, इमेज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट इफेक्ट, वेबसाइट लेआउट एंड टेम्पलेट्स, वेबसाइट बैनर्स, सोशल मीडिया एड्स, जिप्स एंड पोस्टर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अडोबी इनडिज़ाइन। इनडिज़ाइन पब्लिशिंग के लिए बना है और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनडिज़ाइन में बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर जैसे डिज़ाइन बनते हैं। इनडिज़ाइन एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। इनडिज़ाइन में सबसे ज़्यादा ग्रिड, लेआउट एंड टाइपोग्राफी का यूज़ होता है। इसे हम प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया दोनों में यूज़ करते हैं। इनडिज़ाइन में रास्टर एंड वेक्टर दोनों का यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाते टाइम। कौन सा डिज़ाइन इनडिज़ाइन में बनाएं? इनडिज़ाइन में बनाएं मल्टी पेज लीफलेट एंड फ्लायर्स, पोस्टर, बुक्स, मैगजीन्स, प्रिंटिंग बैनर्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ्स। नेक्स्ट है अडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर का यूज़ हम वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर में वेक्टर ग्राफिक बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड कमांड्स हैं, जिससे हम इजीली वेक्टर ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कलर्स एंड ग्रेडियंट ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको कोई भी वेक्टर रिलेटेड काम करना है तो अडोब इलस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम कौन कौन से ग्राफिक बनाते हैं? अडोब इलस्ट्रेटर में हम ग्राफिक बनाते हैं लोगो डिज़ाइन, आइकन डिज़ाइन, क्लिप आर्ट डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, क्लोथिंग डिज़ाइन, टाइप फेस डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड एंड पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स जैसे डिज़ाइन के लिए होता है। कोरोड्रो भी एग्जैक्ट इलस्ट्रेटर की तरह होता है। दोनों का वर्क सेम है, दोनों वेक्टर के लिए यूज़ होते हैं, दोनों सेम डिज़ाइन कैटेगरीज के लिए यूज़ होते हैं। चेंज यह है कि कोरोड्रो डिफरेंट कंपनी का सॉफ्टवेयर है एंड उसका लेआउट एंड यूआई इलस्ट्रेटर से एकदम डिफरेंट है। अब कोरोड्रो पर डिज़ाइन करें या इलस्ट्रेटर पर, वो आप पर डिपेंड करता है। कोरोड्रो इंडिया में बहुत यूज़ होता है, ज़्यादातर प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए कोरोड्रो CDR फाइल ही प्रेफर करते हैं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इलस्ट्रेटर ज़्यादा यूज़ होता है। तो फाइनल कॉल आपका है कि आपको किस पर वर्क करना है, आपको किसका UI ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है लाइट रूम। लाइट रूम फोटो रिटचिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको बहुत सारी इमेजेस एडिटिंग करनी है तो लाइट रूम से अच्छा सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। लाइट रूम का यूज़ फोटोग्राफर बहुत करते हैं और उसके अंदर फोटो एडिट करना बहुत ईजी है दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन। फोटो एडिटिंग आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो, मगर बहुत सारे लोग लाइट रूम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें फोटोशॉप से थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है एडिटिंग के लिए। एंड लास्ट है हमारा आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए तो नहीं, मगर मोशन ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। तो मोशन ग्राफिक क्या है? वो ग्राफिक जो एनिमेट होते हैं, जो मोशन में चलते हैं, जो आपने देखा होगा कई जगह 2D एनिमेशन होती है, कोई लोगो मूव कर रहा होता है, कोई पोस्टर मूव कर रहा होता है, एनिमेट कर रहा होता है, वो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और उसमें पैसा भी ज़्यादा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, बट एट द एंड डिपेंड करता है कि आपकी स्किल किस पर ज़्यादा है, कौन से सॉफ्टवेयर में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको अडोबी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं,
तो आप डायरेक्ट अडोबी की साइट पर जाके परचेज कर सकते हो। आई नो आप क्या सोच रहे हो, हैं ये परचेज करने होते हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताए ये सब पेड सॉफ्टवेयर हैं, सबकी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी तभी आप इनको यूज़ कर सकते हो। लीगल तरीके से डाउनलोड करने की सोचना भी मत, वरना जिस दिन फंसे बहुत गंदा फंसोगे। तो आप इन सॉफ्टवेयर का ट्रायल डाउनलोड करो, अगर आपको वो सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप उसको परचेज़ करो, वरना मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं जो फ्री हैं या थोड़े चीप हैं, उनकी मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। फ़िलहाल अगर आपको अडोबी के सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप अडोबी की साइट से परचेस करो, एंड लास्ट अगर आपको कोरलड्रॉ चाहिए तो कोरलड्रॉ की साइट से लेना पड़ेगा। कोरलड्रॉ में शायद आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आप जितना मर्जी यूज़ करो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, मगर अडोबी के सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको मंथली पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, जिसमें आपको सारे अडोबी के सॉफ्टवेयर बहुत चीप मेंबरशिप पर मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई नो इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लगा, अब से मैं हर वीक में एक वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि हर वीक में दो वीडियो बनाता हूँ तो क्वालिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है एंड जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूँ एकदम करेक्ट दूँ, ऑथेंटिक दूँ, इसलिए अब से इस चैनल पर एक वीक में एक ही वीडियो आएगी ताकि चैनल पर वीडियो की क्वालिटी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।